और आगे बढ़ेंगे। सनातन को लेकर हमेशा मुखर रहने वाले बाबा बागेश्वर ने ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान पर जुबानी हमला बोला है, तो वहीं उनकी नई यात्रा को लेकर उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जगाने के लिए सड़क पर उतरने वाले, कल से उतरेंगे, उससे ठीक पहले हिंदुओं ने लाइट जला दी है महाराज जी। लाइट ये जलाकर हिंदू ये बता रहे हैं कि जो आंखों के अंधे हैं वो जग जाओ, अब हिंदू एक हो गया। हिंदुओं ने डेरा डाल लिया है, कल से हिंदू एकता आपकी रैली में शामिल होने के लिए। रैली नहीं है, समाज जागृति के लिए, समाज को एक करने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए, भेदभाव ऊंच नीच छुआछूत को दूर करने के लिए, हम सब बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए निकल रहे। ये जितने दिख रहे हैं ये जितने दिख रहे हैं श्रद्धालु नहीं है, ये सबके सब बागेश्वर बाबा है। कैसा समाज चाहते हैं भारत में, कैसा समाज आप चाहते? भारत में सभ्य समाज चाहते, भारत में हिंदू एक चाहते, शिक्षित समाज चाहते, जिसके हाथों में गीता रामायण पुराण संविधान अंग्रेजी संस्कृत हिंदी हो, लेकिन हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए हुए संस्कार हो। हम भारत में ऐसा समाज चाहते हैं जो काटने पर भरोसा नहीं, सर तन से जुदा करने पर भरोसा नहीं, गले लगाने पर भरोसा करे। सुना है आपसे जो मिल नहीं पाते हैं दलित वंचित, उनसे आप मिलेंगे मंच पर, खाना खाएंगे, मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, हम सामाजिक समरसता के लिए, दलित हमारी नजर में कोई है ही नहीं, हमारी नजर में सब राम है। जब हमारे राम सबरी के घर बेर खा सकते हैं, हमारे कृष्ण बिदरानी के घर पर भोज कर सकते, हम भी हिंदुओं के घर पर जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, महाराष्ट्र में वोटिंग, लेकिन कई जगह पत्थरबाजी हो गई। उत्तर प्रदेश में देश बड़ा है, चुनाव चलते रहेंगे, चुनाव के चक्कर में हम पदयात्रा ना करें। गजब के आदमी हो, ये पत्थरबाजी, ये चुनाव का काम नेताओं का है, हम नेता नहीं है, हम तो भैया धर्म के एक छोटे से सिपाही है। हमें काले नहीं देने, तब अपनी वोट दो या ना दो, हमें तो हिंदू एक करना है, इन बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं होने देना है, हिंदुओं का अधिकार हिंदुओं को मिले, हिंदू जगे, इस देश को भव्य बनाने के लिए हिंदुओं को जगाना। एक हैदराबाद में बात चली कि 15 दिन का समय दे दीजिए, 15 मिनट का उन्होंने कहा, 15 मिनट का, अगर तुम्हारी न्यूज से अगर सरकार माने तो उन्हें 15 मिनट दे दो, हमें 5 मिनट दे दो। 5 मिनट क्या कर देंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम हिंदुओं को एक करेंगे। तुम्हें क्या लगता है हम क्या गुंडागर्दी करेंगे? 5 मिनट में काम कर देंगे। नहीं नहीं, हम कोई गुंडागर्दी नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, हम सब हिंदुओं को संकल्प दिलाएंगे कि वो 15 मिनट के लिए इकट्ठे हो सकते, हम 5 मिनट में इकट्ठे हो जाएंगे, ये बताएं।